हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट 100। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में रोजाना रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों के बात करें तो देश में कोरोना के 3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। लगातार दूसरे दिन यह आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा। शुक्रवार को 3,46,786 नए केस दर्ज हुए, रिकॉर्ड मामले। 2624 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। आलम यह है कि अब अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों की किल्लत होने लगी है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 66,836 नए केस सामने आए। 74,045 रिकवर हुए, 773 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अब एक्टिव केस 6,91,851 है, जबकि कुल कोरोना केस 41,61,676 हो गए हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल मिलाकर 63,252 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का संकट हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,331 नए केस सामने आए, 348 की मौत हुई। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 92,029 हो गई है। इस बीच दिल्ली में कई अस्पताल में बेड्स की शॉर्टेज है, तो ऑक्सीजन का कम होना भी चिंता बढ़ा रहा है। यूपी में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 37,238 नए केस आए, तो एक दिन में प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है ये। कोरोना के चलते प्रदेश में 199 लोगों की मौत हुई। अकेले लखनऊ में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और सर्वेलांस का अभियान चलाया जाएगा। ऑक्सीजन टैंकरों को लेकर बोकारो से ट्रेन रवाना हो चुकी है। लखनऊ के लिए दूसरी ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन शनिवार को यूपी की राजधानी पहुंच जाएगी। केरल में कोरोना संकट को देखते हुए सीएम पिनराई विजयन ने कहा है कि अगले 2 दिन लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध रहेंगे, केवल जरूरी सेवाओं को अनुमति होगी। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 12,876 नए कोरोना केस सामने आए। इस दौरान 59 मौतें, 6,878 डिस्चार्ज दर्ज किए गए। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 15,398 नए कोविड मामले सामने आए हैं। 5,197 रिकवरी और 64 मौतें दर्ज की गई हैं। एक्टिव केस 1,17,294 हो गए, कुल मौतें 3,453। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। झारखंड में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में 29 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रखने का आदेश दिया गया है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार हुई बेलगाम। बीते 24 घंटे में 11,854 नए मरीजों की पुष्टि। एक दिन में कोरोना से 60 लोगों ने गंवाई जान। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बड़े एक्शन की तैयारी में है सरकार। गुरुग्राम फरीदाबाद में लग सकता है लॉकडाउन। 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव तैयार। हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी की दूसरी बैठक आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बैठक में मौजूद हैं। बैठक चल रही है फिलहाल। बैठक में कोरोना से जुड़े मामलों पर चर्चा हो रही है। देशभर में पूरे जोर शोर के साथ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के बीच आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली है, पहली डोज लगवाई है। गौरतलब है कि अनिल विज पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी किया गया था, जिसके बाद भी उनको कोरोना हो गया था। वो कोरोना के चपेट में आए थे, लेकिन अब डॉक्टरों की सलाह पर अनिल विज ने वैक्सीन की पहली डोज ली। डॉक्टरों की टीम ने अनिल विज के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद गो वैक्सीन की पहली डोज दी, जिसके बाद अनिल विज ने कहा कि लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। वहीं वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर भी अनिल विज ने ध्यान न देने की बात कही। कहा कि वैक्सीन सेफ है।
इधर तो शाम मेयर जी मनीष कुमार फोगाट ने उपमंडल क्षेत्र में कोरोना निर्धारित मापदंडों की पूरी दृढ़ता के साथ पालन करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने उपमंडल परिसर स्थित मीटिंग हॉल में कोविड 19 को लेकर की गई बैठक में कहा कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सभी नागरिकों को सावधानी बरतनी होगी। सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार निर्धारित मापदंडों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर जिला प्रशासन ने भी नई गाइडलाइन जारी की है। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि कोविड 19 से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों की पालना करनी चाहिए। दूध, डेयरी, पनीर, दही, घी इत्यादि संबंधित दुकानें रात को 9 बजे तक, फल सब्जियों की दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकती हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया। वहीं भिवानी में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी गई। भिवानी के बाजारों में जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई है। दुकानों पर तंबाकू, घरेलू सामान तय रेट से कहीं ज्यादा दाम पर बिक रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जिले में कालाबाजारी और ज्यादा दाम पर सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दो टीमें गठित कर दी गई हैं। एसडीएम ने कहा कि जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस नूतालपति वेंकट रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुबह 11 बजे उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत सुप्रीम कोर्ट के कई जज शामिल रहे। जस्टिस नूतालपति वेंकट रमन्ना का कार्यकाल लगभग 16 महीने का होगा। फरवरी 1983 में वकालत करने शुरू करने वाले रमन्ना आंध्र प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल रहने के अलावा केंद्र सरकार के भी कई विभागों के वकील रहे। 2000 में वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी जज बने। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में अपनी नियुक्ति से पहले वो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर उनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक होगा। यमुनानगर के जगाधरी स्थित एसडीएम ऑफिस पर शनिवार को सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त खुद लोगों को समझाने पहुंचे, लेकिन बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं थे। इनका कहना है कि एक तरफ तो सरकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, इस महामारी के दौरान आखिर क्यों ऑफिस आकर परमिशन लेनी पड़ रही है। उन्होंने प्रशासन के इंतजामों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह शादी समारोह के परमिशन के बारे में गाइडलाइन जारी कर दी गई है, उसी तरीके से ऑफिस में परमिशन देने के लिए इंतजाम नहीं किए गए। रतिया के मॉडल टाउन में सीवरेज के गंदे पानी की निकासी न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मॉडल टाउन वासियों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते सरकार जहां सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लाख दावे कर रही है, लेकिन बावजूद इसके मॉडल टाउन के वासी नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि पिछले कई दिनों से सीवरेज का गंदा पानी गलियों में फैला हुआ है और बार बार गुहार लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। देखते गुस्साए मॉडल टाउन वासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मंडी डबवाली में चोरों ने डाकघर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी चुराकर रफू चक्कर हो गए। बताया जा रहा है कि चोर डाकघर की 15 फीट ऊंची दीवार फांदकर डाकघर में घुसे थे। तिजोरी का ताला खोलकर उसमें से 2 लाख रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए। फिलहाल डाकघर के अधिकारी ने पुलिस को चोरी की सूचना दे दी है और पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर रोहतक शहर के पालिका बाजार स्थित निजी अस्पताल के डॉक्टर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अभी इन आरोपियों से पूछताछ करने में लगी है। फिलहाल हमले की वजह का पता नहीं चल पाया है। अब पुलिस इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि इस घटना को अंजाम
पानीपत से सिरसा के लिए ऑक्सीजन टैंकर को पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट करके सिरसा लेकर पहुंची। उप निरीक्षक जगदीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम एस्कॉर्ट करते हुए ऑक्सीजन टैंकर को सिरसा लेकर आई। दरअसल बुधवार को पानीपत से एक ऑक्सीजन टैंकर सिरसा के लिए चला था, लेकिन वो सिरसा पहुंचा ही नहीं, रास्ते में टैंकर लापता हो गया, जिसके बाद दवा नियंत्रक विभाग की शिकायत पर पानीपत में इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने ऑक्सीजन टैंकर की सुरक्षा के लिए सिरसा से पुलिस एस्कॉर्ट को रवाना किया। वहीं पुलिस एस्कॉर्ट के साथ टैंकर शाम को सिरसा पहुंचा। अंबाला से भी ऑक्सीजन की कमी की खबर सामने आई। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक यहां पार्क अस्पताल में कुछ घंटों के लिक्विड और गैस ऑक्सीजन का बाकी है। ऐसे में खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हरकत में आ गया है और यह आश्वासन दिया जा रहा है कि बेहद जल्द अस्पताल का ऑक्सीजन मुहैया करवा दिया जाएगा। देश में कोरोना के महामारी के बीच ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी चरम पर है। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी शख्स 50 किलो के ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर को 90,000 रुपए में बेच रहा था। सीएम फ्लाइंग की टीम ने नकली ग्राहक बनकर आरोपी को गिरफ्तार किया। टीम ने आरोपी को गुरुग्राम के सेक्टर 39 स्थित आवास सोसाइटी फ्लैट नंबर 102 से गिरफ्तार किया। फिलहाल टीम मामले में लिप्त दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है। देश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा से सटे दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। दिल्ली से आने जाने वाले वाहनों की प्रदेश में जगह जगह गहनता से जांच भी की जा रही है। बावजूद इसके नजफगढ़ से झज्जर आने वाले मार्ग पर कल तक कोई पुलिस कर्मचारी मुस्तैद नहीं था, लेकिन हरियाणा न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद झज्जर पुलिस के अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिए। दिल्ली से आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की गई है, उनसे आने जाने का कारण भी पूछा जा रहा है, साथ ही जरूरी कागजात चेक करने के बाद ही उन्हें परमिशन मिल रही है। पिहोवा के मुख्य बाजार सहित मेन चौक में कोरोना एडवाइजरी की पालना करवाते हुए पिहोवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना मास्क वालों के और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने वाले लोगों के चालान काटे। कोरोना संक्रमण अपना विकराल रूप लेता जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके गोहाना में बैंकों के बाहर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखा जा रहा है और ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। इसे लेकर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाते हुए नजर आए। वहीं शहर में बिना मास्क लगाने वालों के चालान भी किए जा रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में पुलिस की ओर से बिना मास्क लगाने वाले 400 से ज्यादा लोगों के चालान किए गए हैं। साथ ही शहर में नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। फरीदाबाद में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन लोगों को कोरोना नियमों के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। चरकीदादरी में एक युवक का वीडियो सोशल साइट पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक ने आरक्षण के कोटे से नौकरी पाने वाले लोगों पर ठीक से काम न करने का आरोप लगाया। वीडियो के वायरल होने के बाद SC ST समाज के लोगों ने स्थानीय रोज गार्डन में प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, साथ ही युवक के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करवाने की भी मांग की। गोलाचीका में व्यापारियों और किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने आरोप लगाया कि मंडियों में सरकार का करोड़ों रुपए का पीला सोना बर्बाद हो रहा है। अनाज खुले आसमान के नीचे भीग रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुध नहीं ले रहा। अधिकारी सरकार की नीतियों पर सरेआम पलीता लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि अधिकारियों ने सरकार के 48 घंटों में गेहूं के उठान के दावे फेल कर दिए हैं। किसानों ने गेहूं उठान को लेकर ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। अंबाला में सुबह हुई बारिश ने अनाज मंडी में पड़ी हजारों टन गेहूं की फसल को गीला कर दिया। अधिकारियों की लापरवाही और मंडी प्रशासन की अव्यवस्थाओं के चलते गेहूं बारिश की भेंट चढ़ा।
आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि मंडी में पड़ी फसल की उठान की जिम्मेदारी उस सरकारी एजेंसी की है जिसने फसल खरीदी, लेकिन एजेंसी ने मंडी से फसल को नहीं उठाया, जिसके चलते गेहूं मंडी में ही पड़ा रहा और बारिश में भीग गया। गुवाहाटी के अनाज मंडी में पिछले कई दिनों से फसल का उठान न होने के कारण मंडी में आढ़तियों ने काफी ऊंचे टीले लगाए हैं। सरकारी एजेंसी अलग अलग बहाने बनाकर अनाज को गोदाम में वापस भेज देती है। ऊपर से मौसम में अचानक हुई खराबी के कारण मंडी में रखा लाखों क्विंटल अनाज मंडी की लेचर व्यवस्था के कारण बारिश की भेंट चढ़ गया। शुक्रवार सुबह तेज हवाओं के बाद आई बरसात से रादौर अनाज मंडी के फड़ पर पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। पिछले कई दिनों से उठान की धीमी गति के चलते मंडी में खरीद एजेंसी हैफेड और वेयर हाउस के करीब 2.5 लाख क्विंटल गेहूं के बैग खोले आसमान के नीचे पड़े। वहीं गेहूं के इन बैग को ढकने के लिए पर्याप्त मात्रा में तिरपाल का भी प्रशासन की ओर से प्रबंध नहीं किया गया, जिससे ठेकेदार और खरीद एजेंसियों के लापरवाही से बरसात में भीगी गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। मैं वीडियो ब्लॉग में स्वामित्व स्कीम के तहत हरियाणा सरकार ने लाल डोरे के अंदर आने वाली जमीन का मालिकाना हक दिए जाने पर लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया। इस दौरान महम पंचायत सचिव कैलाश चंद्र ने 8 गांवों के ग्रामीणों को उनके जमीनों के रजिस्ट्री वितरित की। सचिव कैलाश चंद्र ने बताया कि आज हमने 8 गांवों की जमीन जो लाल डोरे के अंदर थी उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं था, उनको हरियाणा सरकार की ओर से चलाई गई स्कीम के तहत 112 रजिस्ट्रियां बांटी। सोनीपत में कृषि योग्य भूमि के बंजर होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहां 81% भूमि में नाइट्रोजन की कमी पाई गई। कृषि विभाग लगातार कई सालों से अलग अलग खेतों की मिट्टी के सैंपल लेकर काम कर रहा था। उसी के तहत लगभग 3 लाख सैंपल लेकर रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें 68% भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन कम हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसान लगातार खेतों में असंतुलित रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहा है और फसल विविधीकरण की अनदेखी कर भूमि की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फतेहाबाद के जलनिया गांव में झाड़ियों में एक दिन की नवजात बच्ची मिली है। बता दें कि नवजात को प्लास्टिक के कट्टे में सड़क किनारे छोड़कर अज्ञात व्यक्ति फरार हो गए थे। जिसके बाद सुबह ग्रामीणों ने नवजात को देखा और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस एम्बुलेंस को लेकर मौके पर पहुंची और नवजात को नागरिक अस्पताल के नर्सरी वार्ड में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास इलाके के लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका इस नवजात बच्चे को छोड़कर कौन गया। जाखल पुलिस ने एक निजी होटल में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने युवक युवती समेत होटल के मालिक को गिरफ्तार किया है। चरखी दादरी के गांव मंदौली में युवक ने सोशल साइट पर लाइव खुदकुशी कर ली। युवक ने 7 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने अपनी मौत के पीछे अपनी प्रेमिका को जिम्मेदार ठहराया। लिखा है कि उसका कालियारा गांव की महिला के साथ अफेयर चल रहा था, इस दौरान उसने महिला को 5,70,000 रुपए और गहने भी दिए, जिसके बाद महिला और उसके परिजनों ने युवक पर और पैसे देने का दबाव बनाया। ना देने पर बलात्कार के आरोप में फंसाने की धमकी दे दी, जिससे तंग आकर युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। करनाल से हत्या का मामला सामने आया है। रामनगर में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि मृतक फर्नीचर का काम करता था और हत्या रात के समय की गई। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप अपने रिश्तेदारों पर लगाया, लेकिन हत्या क्यों की गई इसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल के सामने बनारसीदास ट्रस्ट की खाली पड़ी जमीन की झाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद फैक्ट्री के चौकीदार ने खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन हवा तेज होने के कारण आग फैल गई। फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी गई, जिसे फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
आईपीएल के 14वें सीजन के 18वें मैच में शनिवार को मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। शीर्ष क्रम की नाकामी के कारण लगातार हार से हार दोनों टीमें एक दूसरे के कमजोरियों का फायदा उठाकर जीत की राह पर लौटने की कोशिश करेंगी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने आईपीएल 14 के 17वें मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 52 गेंदों पर 63 रन बनाए। अपने इस पारी के दौरान रोहित शर्मा अंपायर के एक फैसले से नाखुश थे। रोहित ने गुस्से में कुछ कहा और अंपायर के फैसले को चुनौती देते हुए डीआरएस लिया है। उनकी इस हरकत पर फैंस ने ट्विटर पर रिएक्ट किया और घटना का वीडियो भी अपलोड किया। कर्फ्यू के बीच शुक्रवार को मलाइका अरोड़ा अपने पेट डॉग कैस्पर के साथ वॉक पर नजर आईं। कर्फ्यू के बीच एक्ट्रेस का यूं वॉक पर निकलना लोगों को गले नहीं उतरा। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मलाइका